और ये ले रहे देखो पानी में मजे। और ये फाउंटेन है आप देख सकते हो, फाउंटेन कह रहा झरना है। तो ये एक डेस्टिनेशन है जहाँ आप आ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। और देख ही लिया आपने नज़ारा कितना है, लोग मज़े ले रहे हैं फुल। और पानी बहुत ठंडा है यहाँ पे, तो हम ये पुल से होके दूसरी तरफ निकलते हैं। स्ट्रीट चढ़ाई है, ढलान भी है। भीड़ बहुत है यहाँ पे भी, पहले यहाँ पे बहुत कम लोग आते थे। और ये जिप लाइन है, जिप लाइन में आप अगर आपको एडवेंचर का शौक है तो जिप लाइन कर सकते हो आप। दिखाता हूँ आपको जिप लाइन कैसे होती है। वो मैडम जिप लाइन कर रही है, देखो तो अगर आपका एडवेंचर का शौक है तो ज़िपलाइन कर सकते हो। भैया ज़िपलाइन चलाते हैं, भैया ज़िपलाइन के क्या चार्जेस हैं? भैया ज़िपलाइन के यहाँ पे चार्जेस 300 है। आना जाना एक साइड का होता है। अच्छा वन साइड, फिर उधर से कैसे आएंगे? वॉक करना पड़ता है। अच्छा वहाँ से आपको ये फॉल नेचुरल फॉल जो बट्टा फॉल का इसको पड़ सकते। तो इवनिंग में कब तक आपका ज़िपलाइन चलता है? 7:30। अच्छा 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 ठीक है। अगर किसी ने ज़िपलाइन करनी हो तो यहाँ आ सकते हो आप बट्टा फॉल में नीचे, ठीक है जी। ये पुराने वाले बट्टा फॉल पे आना, क्योंकि उधर जहाँ रोप वे है उस तरफ ज़िपलाइन अलग होती है। तो ये भैया आपको पुराने वाले रोप वे की तरफ मिलेगा। तो जी अगर आपको नहाने का शौक है फाउंटेन में झरने में, वहाँ चलते हैं और नहाते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या एक्सपीरियंस है। पानी बहुत ठंडा है जैसे कह सकते हैं, बहुत ठंडा पानी है।
तो जी आपको अगर फैमिली के साथ कुछ गजब का एक्सपीरियंस लेना है नियर बाय मसूरी तो आप देख सकते हो कितना अच्छा, कितनी अच्छी जगह है। और मैं तो पूरा भीग गया और बंदे जाने के चक्कर में दिखा जा। और ये ले रहे थे पानी में मजे जा प्रिंसी जा। और यहाँ फैमिली आउटिंग कर सकते हो बाहर, यहाँ मैगी वैगी सब मिल जाती है। गाइस हमने मैगी मंगा ली है और ये उठाने लगी थी इससे रखवा ली हमने। आपको और भी एडवेंचर का है शॉप तो अब यहाँ थोड़ा पानी यहाँ पे गहरा है ठीक है, पानी रोका हुआ डैम बना है तो यहाँ भी आ सकते हो। हम चलते हैं और ऊपर चलो। तो जी हम आ गए हैं ऊपर की तरफ और भाई साहब का आपका किस नाम से है ये कैंप? हाँ तो कैंप बहुत अच्छा बनाया हुआ है ना, पूरी ग्रीनरी देखो, पूरी ग्रीनरी की ग्रीनरी मेंटेन की हुई है और ये कैंप हाउस है पूरे पीछे। तो पूछते हैं भाई साहब क्या प्राइस वगैरह है जैसे इसका? अच्छा अच्छा नाइट में ना। अच्छा फैमिली अगर जैसे फैमिली आए तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी हैं जैसे कि आप पीछे देख सकते हो वो पैराग्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे सामने। अच्छा वो ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पे और नीचे एडवेंचर पार्क है, वाटरफॉल है, बुफे है। अच्छा हाँ स्पीकर है, म्यूजिक सिस्टम है बहुत बढ़िया और नाइट को ब्रोन कार वगैरह भी। तो मतलब खाना वाना आपके यहाँ मिल जाएगा आराम से ना इजीली? होटल का खाना हमारे यहाँ होटल वाला स्वाद नहीं घर का स्वाद मिलता है। अच्छा अच्छा होटल के अंदर घर का स्वाद मिलता है। तो अगर आप एक कैंप दिखा सकते हो अगर जैसे हम चलो जी भाई साहब के साथ कैंप देखते हैं ना। हाँ भाई ज्वेलर दोनों तो हम आपको कैंप दिखाते हैं। अगर आपको कैंपिंग का शौक है तो मसूरी से जस्ट नियर बाय 7 किलोमीटर पहले आपको इतना बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ग्रीनरी है और ये है कैंप एरिया पूरा। ये यहाँ पर डबल बेड है और एक ये सिंगल बेड भी है और एक ये सिंगल बेड भी है। तो अगर आप एज ए फैमिली आ रहे हो तो फैमिली के साथ आप पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाओगे। और इसमें ही वॉशरूम है देखो, और मौसम बड़ा ठंडा है यहाँ पर। ये देखिए वॉशरूम बड़ा गजब बनाया हुआ है, पूरी लाइटिंग का पूरा ध्यान है, पूरी मेंटेन है, क्लीनलेस पूरा मेंटेन है। तो डेली क्लीन होता है पूरा का पूरा? जी सर ये डेली क्लीन होता है और अगर कोई बुकिंग वगैरह नहीं होती है तब भी 2 दिन में एक बार क्लीन होता ही होता है। नहीं ठीक है लग रहा है आपका, हमें पता लग ही रहा है यहाँ पे। अच्छा साफ सफाई का सख्त है थोड़ा। अच्छा जैसे बॉयज वगैरह आते हैं उनके लिए फैमिलीज हो, फ्रेंड ग्रुप हो। अच्छा या फैमिली ग्रुप हो या आपकी कोई मीटिंग वगैरह होनी चाहे कोई कंपनी का वो हो तो आ सकते हैं, कोई भी हो। तो ठीक है जी देखो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी और मैंने आपको दिखा भी दिया। कॉटेज सारे कॉटेज एक जैसे ही है सारे और माहौल आप बाहर का देख सकते हो, बोन फायर यहाँ रात को होती है और सेम ऐसी कॉटेज ये इधर साइड में भी है, मैं साइड से दिखा। हाँ अगर आपने कॉटेज लेने का है देखो वो तो टेंट हो गया सभी, ये टेंटिंग होगी
अगर आपने कॉटेज ले लिया है तो इनके पास एक कॉटेज भी है, देखो ये पूरा का पूरा कॉटेज है, ये 4 पर्सन के लिए कॉटेज है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे केवल 4 पर्सन ही आ सकते हैं, जैसे 4 लोग एक साथ रुकना चाहते हैं, फैमिली हो गए या लड़के हो गए 4, तो उनके लिए ये एसी वैसी की जरूरत तो पड़ती नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे एसी वैसी है नहीं, बाकी एसी वगैरह भी इंक्लूड हो रही है इसी में। अच्छा, एलसीडी यहाँ पे होगी। अच्छा, यहाँ पे एलसीडी होगी और एसी भी यहीं पे होगी। वैसे तो मौसम काफी ठंडा है, ये न्यू हो रखा ना। अच्छा, तो भाइयों देख सकते हो आप, ये यहाँ आपको फैसिलिटी मिल जाएगी सब, आप आ जाना यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा इनका, आप फोन करके आ सकते हो, बुक करा सकते हो पहले आप। हाँ, मैक माई ट्रिप के नाम से जो है, मेक माई ट्रिप पे। अच्छा, मैक माई ट्रिप। और ये वॉशरूम है इसका, वॉशरूम भी ठीक है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। चलो जी, थैंक यू सो मच। तो भाइयों जितने भी लग्जरी कॉटेज और अपने टेंट हाउस में रहने का शौक है, मतलब अपनी छुट्टियां बितानी है, 2 दिन के लिए आना है, 3 दिन के लिए आना है, तो आप आ सकते हो और बड़े डिस्काउंटिंग प्राइस में आपको मिल जाएगा। और लोकेशन आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया लोकेशन है, ठीक है जी। जिप लाइन करनी हो जिप लाइन भी है आपने, और पैराग्लाइडिंग करनी हो तो पैराग्लाइडिंग भी, यहाँ पर सभी चीज़ होती है, ठीक है जी। पैराग्लाइडिंग का शौक है तो आप देख सकते हो, पैराग्लाइडर हमारे पास दो, ये यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, ठीक है जी, वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। ब्रेक क्या, हम ऊपर सांस ले लेके चढ़े हैं, चाची ने जो इतनी कैलोरी बर्न करी वो देखो, फिर कहती मेरा कितना वेट कम होगा। और ये थी जी आपकी आज की वीडियो, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने करना क्या है पता ही है आपको, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस लोकेशन पे आना मत भूलना, लोकेशन बहुत प्यारी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ पर पड़ती है, ठीक है जी। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारा वेदर है और पानी बहुत ठंडा है, कपड़े वपड़े लेके आना क्योंकि ठंडा बहुत है। चलो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, टिल देन जब तक के लिए गुड बाय।